नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। डूबते हुए बिहार को अब बचा लेना है। तेजस्वी यादव हो या नीतीश कुमार हो, अक्सर ये अपनी बातें कहते हैं। देखिए, हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार ही कहें या तेजस्वी यादव कहें, तेजस्वी यादव भी अक्सर कहते हैं कि बिहार डूब रहा है। देखिए कितने पुल टूट रहे हैं, बिहार में कितना भ्रष्टाचार बढ़ गया है और बिहार को बचाना है, बिहार को उबारना है। नीतीश कुमार भी कहते हैं बिहार कहाँ था 2005 से पहले और बिहार को कहाँ से हम कहाँ तक लेके आए। पुल पुलिये बने, सड़कों का जंजाल बिछा, बिजली आई घर घर तक, पानी हुई, शौचालय की व्यवस्था हुई और हर घर तक कितनी सुविधाएं पहुंच चुकी है, नीतीश कुमार भी कहते हैं। लेकिन सिर्फ बात बिहार की नहीं हो रही है, अब बात हो रही है चुनाव की। रवि उपाध्याय जी हमारे साथ, हम शुरू करते हैं। आज आरजेडी का 28वां स्थापना दिवस था। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव वहां पहुंचे हुए थे, लालू प्रसादव उनके साथ थे, जगदानंद सिंह, इसके अलावा तमाम नेता, आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं वो मौजूद थे। श्याम रजक थे, अब्दुल बारी सिद्दीकी थे, सभी बड़े नेता पहुंचे थे। संजय यादव राज्यसभा के सांसद हैं, वो भी वहां मौजूद थे। तेजस्वी यादव ने साफ साफ कह दिया है कि हम अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, जितना कठोर निर्णय लेना होगा, क्योंकि लालू प्रसाद ने जिम्मेदारी दी है तेजस्वी यादव को, यानी कि तेजस्वी यादव को सब कुछ सौंप दिया है और 2025 में कैसे बिहार में आरजेडी सत्ता में आएगी, ये तक कह रहे थे कि हम आरजेडी को अकेले बहुमत के पार ले जाएंगे। तेजस्वी यादव कितने कठोर हो गए हैं? देखिए, निश्चित रूप से तेजस्वी यादव आज पूरे फॉर्म में थे, पूरे फॉर्म में और पूरे उत्साह से लबरेज थे आरजेडी ऑफिस में, आरजेडी कार्यालय में। 28वां स्थापना दिवस भी था तो उसमें तमाम समर्थक थे और तमाम पार्टी के सभी, लालू प्रसाद यादव जब मौजूद हैं तो फिर कहने की बात नहीं है कि कौन नेता, सब जगह और जिले में भी कार्यक्रम हो रहा था। तो ऐसे में तेजस्वी यादव आज जो 2-4-10 लाइन जो बात कही, उसमें मोटा मोटी यही दिखाई पड़ता है कि अब तेजस्वी किसी भी शर्त पर, अब इधर उधर जो हुलुक बुलुक करने वाला, जो मेरी भाषा में हम जो कहते हैं, वह आज उन्होंने कह दिया कि जो हुलुक बुलुक करते हैं वैसे लोगों को पहचान कर लिया गया है, अब किसी भी शर्त पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और वैसे लोगों को हम जो है सो मुक्ति पालेंगे, मुक्ति पालेंगे। अब इतनी बड़ी बात, अब क्या कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब यह है कि देखिए, अब जो 25 में चुनाव होने की बात है बिहार विधानसभा की, तो वह तो यहां तक कह रहे हैं कि 2024 में हो जाए या 2025 में हो जाए, जब भी होगा पार्टी पूरी तरह से तैयार है और पूरा होमवर्क किए हुए है पार्टी एकदम एक एक चीज। और वह क्या कह रहे हैं, दूसरी बात कहे कि हम चुनाव परिणाम जो आए उसका जो है सो समीक्षा किया, उसका रिव्यू किया, समीक्षा किया था, बैठक की थी। हाँ, तो वो उसमें सब कुछ पता चल गया कि कहां पर गड़बड़ी है, कहां पर झोलझाल है, कहां पर ये गड़बड़ी किया गया, उसको ठीक करने के लिए। और स्पष्ट कहा कि लालू प्रसाद यादव ने पूरी जिम्मेवारी दे रखी है तेजस्वी को, उन्होंने आज मंच से इस बात को कहा। अब तक तो मान लीजिए मंच से नहीं कहे, लेकिन आज 28वां स्थापना दिवस पर लालू प्रसाद यादव की मौजूदगी के साथ ही तमाम वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में तेजस्वी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने पूरी जिम्मेवारी दी है और अब ऐसे में हम इधर उधर नहीं देखने वाले हैं। 2020 में ही सरकार बन जाती, इन्होंने भी कहा कि 2020 में ही राजद की सरकार बनने वाली थी, कुछ जो है सो हरवा दिया गया, कुछ इधर उधर खेल जो बता रहे हैं, कुछ पर्दे के पीछे खेल हुआ, पर्दे के पीछे से खेल हुआ, 100 वोट से 10 वोट से, यह सब बात बात तो खैर है भी किस तरह से, और काफी कम मार्जिन रहा था कई सीटों पर, कई सीटों पर कम मार्जिन रहा था, उस वक्त चिराग पासवान भी अलग लड़े थे। बिल्कुल बिल्कुल, तो वही अब मैंने कहने वाली बात है, लेकिन अलग लड़ना और नहीं लड़ना, लेकिन कहीं ना कहीं वोट का समीकरण इस बार तो दिखाई पड़ रहा है तेजस्वी को, जो 4-0 पर वोल्ड हुए थे लोकसभा के 2019 के लोकसभा चुनाव में, इस बार 4 सीट लेकर के आए। ऐसे कहा जाए तो इंडिया गठबंधन इंडिया ब्लॉक का 9 सीट हुआ, ऐसे कहा जाए तो पप्पू यादव को भी देखे तो 10 सीट इंडिया ब्लॉक में, इंडिया ब्लॉक में 10 सीट है। तो यह एक बड़ा कहीं ना कहीं यह तो है कि भाई तेजस्वी ने जितना जो 250 सभाएं की तो उसका परिणाम दिखाई पड़ रहा है, यही तेजस्वी के उत्साह से लवरेज होने का कारण भी है। और तेजस्वी कहते भी नजर आए कि A to Z की पार्टी है ये, माई की पार्टी तो है A to Z की, पर सबको लेकर के चलने की बात, तो यह सब तेजस्वी यादव इतना कह रहे हैं। और तेजस्वी ने पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, सत्ता में लाने के लिए, पार्टी हित में जो भी कड़ा और सख्त निर्णय होगा इस बार वह लेंगे, कठोर निर्णय लेंगे, कठोर निर्णय लेंगे। कई सिटिंग विधायकों का टिकट कट सकता है, निर्ममता पूर्वक जो है सो जो भी निर्णय लेगा, लेना होगा वह लेंगे। और कई जो है सो विधायक जिनका परफॉर्मेंस इस बार के लोकसभा चुनाव में बेहतर नहीं रहा, हम लोग बराबर इस बात को कहते रहे, उस पर आज तेजस्वी हम लोगों की लाइव सिटीज की कही हुई बात पर मुहर लगा दिया उन्होंने अपने
अभिभाषण में भाषण के दौरान लगभग 30 मिनट तक उन्होंने भाषण दिया है। मैं वही पता कार्यालय में काफी जोश उत्साह दिखा कार्यकर्ताओं में, लेकिन उन्होंने कहा उस वक्त सन्नाटा पसर गया था, कई आरजेडी के नेता वहां मौजूद थे जो इधर उधर होते हैं उनसे भी हम मुक्ति पाएंगे। वो कहा तो दिया कि भाई जिसका टिकट काटना होगा, जिस विधायक का जिसका परफॉर्मेंस जो समीक्षा में आया कि नहीं इधर उधर किया है गड़बड़ किया है उनसे हम मुक्ति पा लेंगे। और निश्चित रूप से जब तक मुक्ति नहीं पाएंगे तो जो उनका विजन है तेजस्वी का कि हमको 2025 में या 2024 में जब भी विधानसभा का चुनाव है, उन्होंने तो कहा कि जब नरेंद्र मोदी को माने कराना हो या नीतीश कुमार को जब भी चुनाव कराना हो 2024 में करा ले या 2025 में, हम जो इस बार तैयार हैं एकदम पूरी तरह से मजबूती के साथ लड़ने के लिए। और निर्ममता पूर्वक कह रहे हैं कि भाई सिटिंग एमएलए को हमको जो गड़बड़ झोलझाल किया उसको हटा देंगे, उसको उसके जगह पर दूसरा देंगे। ठीक है, ठीक बात भी है, मजबूत रिप्लेसमेंट होना भी चाहिए। मजबूत अगर जिताऊ पहलवान उनके पास में है तो उसमें कहां दिक्कत है, वो जिताए तो अब सरकार अब बोल रहे हैं कि सरकार बनना तय है 2025 में या 2024 में जब भी चुनाव होगा, इस बार कोई नहीं, एकदम स्पष्ट यही बात, यही भरबेटम यही बात तेजस्वी ने कहा कि सरकार बनना तय है। पिछली बार तो जो है सो ये कर दिया और 15 अगस्त से वह निकल रहे हैं यात्रा पर 15 अगस्त से निकल रहे हैं, जनता के बीच जाएंगे और लोगों से अपने जो पार्टी कार्यकर्ता और तमाम नेताओं से भी कह रहे हैं जनता के बीच रहिए, जनता से इधर उधर मत रहिए, तमाम सब बात कह रहे, ऐसा तो कोई बात नहीं। अच्छा, इतना कठोर क्यों हो गए तेजस्वी यादव, क्या लगता है इतने कठोर हो गए, बहुत मतलब देखिए टफ फैसले ले रहे होंगे। देखिए निश्चित रूप से पार्टी हित में उन्होंने क्या कहा कि लालू जी ने पूरी तरह से जो राजद अध्यक्ष है पूरी तरह से जिम्मेवारी तेजस्वी को दे रखी है, तो ऐसे में अब टफ होने का जो आप सवाल कह रहे हैं कि कठोर निर्णय पार्टी हित में तो लेना पड़ेगा। उन्होंने कहा भी है अपने भाषण में, तेजस्वी ने कहा है कि हमको पार्टी हित में कड़े और सख्त निर्णय लेने होंगे तभी जाकर के हम लोग सरकार में हम लोग आएंगे। और लालू यादव ने भी हाँ में हाँ मिला दी अपने भाषण में, कहा कि जैसा तेजस्वी कहे हैं बिल्कुल सही कहे हैं। बिल्कुल, देखिए लालू प्रसाद यादव जब पूरी तरह से जिम्मेवारी दे रखी है तेजस्वी को तो ऐसे में जो निर्णय तेजस्वी लेंगे वही नेता प्रतिपक्ष हैं और वही आरजेडी के कर्ता धरता हैं, कमान उन्हीं के हाथ में है, तो निश्चित रूप से लालू प्रसाद यादव भी वही कहते हुए नजर आएंगे जो तेजस्वी कहेंगे, उससे कहां इनकार करने की बात है। अगर इनकार करेंगे तो पार्टी का परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं होगा, जब परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं होगा तो सरकार में आप नहीं बना पाएंगे, फिर आप विपक्ष में ही बैठते हुए नजर आएंगे। तो यह सरकार में अगर यदि आपको आना है तो जो तेजस्वी कह रहे हैं, जितनी बात तेजस्वी समझ रहे हैं उस बात को करना होगा। और जो है सो पार्टी देखिए अब जैसे तेजस्वी कैसे कहते ए टू जेड माई बाप की पार्टी है, तो वह माई बाप की पार्टी तो सिर्फ कहने से नहीं होगा, वह परफॉर्म करके, और कह रहे हैं सरकार बनना है तो सबको उसमें हिस्सेदारी होनी चाहिए, महिलाओं को बुजुर्गों को सबको सम्मान देंगे, बिल्कुल टिकट देंगे, और विस्तार के लिए जितना कुछ भी करना होगा वह करेंगे पार्टी विस्तार के लिए, तो निश्चित रूप से वह उस विजन के साथ काम कर रहे हैं तेजस्वी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। और तेजस्वी जितने विजन के साथ काम कर रहे हैं तो अब इसीलिए तो वह कह रहे हैं कि ऐसे लोगों से मुक्ति पाना जरूरी है जो इधर से उधर से करते हैं। हाँ, तो अब ऐसे में इन लोगों से वो एकदम से ऐसे अपने विधायकों को भी कह रहे हैं कि जिनको उधर जाने का मन है वो चले जाए मुक्ति नहीं देखिए कह रहे हैं कि मुक्ति पाने का समय है, अब समय है, यही समय है कि भाई आप इधर उधर बहुत किए ऐसे लोगों को बहुत। देखिए वो ऐसी इस तरह से नहीं कह रहे हैं, आप इस बात को समझिए कि वह रिव्यू किए, रिव्यू में जो आया और वह रिव्यू में सब कुछ आया कि जो इधर उधर किया गड़बड़ झाला किया उसी के कारण पार्टी का जो है सो यह परिणाम दिखाई पड़ रहा है, हार गए थे तो यह सब जो है सो निश्चित रूप से यह सब दिखाई पड़ रहा है। और कई जगह देखिए इस बार के लोकसभा चुनाव में ही कई जगह आपको देखा गया कि कई ऐसे पार्टी के जो अपने आप को समर्पित कार्यकर्ता कहते थे वही जो है सो पार्टी लाइन से इतर अपना जो है सो चुनाव विवाद है। प्रकाश वीर नवादा में बिल्कुल प्रकाश वीर विवाद अभी दोनों ने खुलकर विरोध किया, खुलकर विरोध किया ना, वही नहीं ऐसे भी कई जगहों पर हुआ। ठीक है वो तेजस्वी के पास में यह फीडबैक है तभी वह इतना सख्त बात कह रहे हैं कि पार्टी के कई विधायकों को, विधायक की बात उन्होंने कही ना, कई विधायकों का भी हमको जो है सो काटना होगा तो टिकट काटेंगे, सख्त निर्णय लेंगे, कड़ा कदम उठाएंगे, तो यह स्पष्ट क्लियर है। अब इसमें बात कहां मतलब वो विधायकों की पैरवी नहीं सुने वाले, एकदम विधायकों की पैरवी नहीं सुनेंगे, विधायकों का भी टिकट कटेगा एकदम। आप हम लोग जो लाइव सीते जितने दिनों से बात कह रहे थे उस बात पर आज मुहर तेजस्वी ने भी लगा दी है, इसमें कहीं कोई दो लालू प्रसाद का हाँ में हाँ मिला देना, आपको लगता है कि हाँ लालू प्रसाद भी अब चाहते हैं कि हाँ सच में तेजस्वी ही, क्योंकि एक फेस तो वही है ना, महागठबंधन की फेस वो है, तेजस्वी सत्ता मिला सकते हैं तो तेजस्वी को ही फुल प्लेस दिया जा रहा है,
तेजस्वी को फ्री हैंड फ्लू माने पूरी तरह से लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी यादव जो प्रतिपक्ष के नेता हैं उनको फ्री हैंड दे रखा है, सब कुछ सौंप दिया। पार्टी को आपको जिस तरह से बेहतरी के लिए जो भी आपको उचित लगे जो निर्णय लेना हो वह निर्णय लीजिए और पार्टी को लेकिन मजबूत करिए और बनाइए। तभी तो कह रहे हैं कि A to Z माई बाप की पार्टी, तो यह सब तेजस्वी कह रहे हैं। और इतना कठोर बात आज की सभा में कहा उन्होंने कि वह निश्चित रूप से जो इधर उधर करने वाले विधायक थे वह जो है निश्चित रूप से उनके लिए परेशानी का सबब होने जा रहा है। सम्राट चौधरी भी कह रहे थे विधान परिषद में, अभी आज भगवान सिंह कुशवाहा का शपथ हुआ है, नीतीश कुमार वहां पहुंचे थे, बिहार विधान परिषद के सदस्य के रूप में उन्होंने शपथ ले ली है। सम्राट चौधरी भी कह रहे थे कि बोलते रहे तेजस्वी लालू यादव होना कुछ है नहीं। देखिए वो सम्राट चौधरी देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वह अलग उनका बोलने का काम है, पक्ष में थोड़ी बोलेंगे। हाँ, पक्ष में तो तेजस्वी के फेवर में तो बोलेंगे नहीं, तो व्हाट अंडरस्टूड है उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तेजस्वी ने जितनी बात आज स्थापना दिवस के अवसर पर कही है वह निश्चित रूप से लाउड एंड क्लियर मैसेज है RJD कार्यकर्ताओं को, RJD के विधायकों को, RJD के विधान पार्षद को, RJD के सांसदों को। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि जो इधर उधर करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और जो है सो टिकट से वंचित कर दिया जाएगा। देखिए तो तेजस्वी यादव सीधा चाहते हैं कि RJD सत्ता में आए, और तेजस्वी यादव बहुत कठोर हो गए हैं, कड़े निर्णय लेंगे, सुनेंगे वो किसी के नहीं, क्योंकि पार्टी को सत्ता में लाना है, संगठन को मजबूत करना है, तो कुछ कड़े निर्णय लेने होंगे। A to Z की पार्टी है RJD, तेजस्वी यादव ने आज खूब कहा है, मन से खूब हुंकारे हैं, वो वीडियो पूरा आप लाइव सीज पर जाकर देख सकते हैं। उनका भाषण हमने लाइव सीज के चैनल पर लगा दिया है, यूट्यूब और फेसबुक चैनल पर आप उनका पूरा भाषण सुन सकते हैं। लालू प्रसाद भी वहीं मौजूद थे। आप लाइव सीज साथ बना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें। धन्यवाद।